नायका से कुछ कुछ प्रोडक्ट्स की ऑर्डर की है। मेकअप जो है कुछ कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो मेरे खत्म हो रहे, तो यहाँ पे जो है वो मेरा पार्सल आ गया है। मेकअप वैसे भी सबको पसंद है, शॉपिंग वैसे भी सबको पसंद है, पार्सल खोलने की जो खुशी रहती है उसका क्या ही कहना। यहाँ रख लेती हूँ ताकि मुझे बहुत कन्वीनियंट हो, मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा पाऊँ। हेलो माय ब्यूटीफुल चिक, वेलकम टू ब्यूटीफुल चिक। आप सभी का फिर से वेलकम है एक नए एपिसोड में। और जैसे कि हम लड़कियों को शॉपिंग करना पसंद है और मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद है, हेयर केयर करना बहुत ज़्यादा पसंद आती है, वैसे ही हम सभी लड़कियों को विंडो शॉपिंग करना भी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। और यदि आप इस बात से एग्री हैं प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो आज मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ, मैंने नायका से कुछ कुछ प्रोडक्ट्स की ऑर्डर की है, क्योंकि मैंने बोला कि बहुत दिनों के शॉपिंग विंडो शॉपिंग नहीं हुई है तो चलो किया जाए। और मेकअप जो है कुछ कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो मेरे ख़त्म हो रहे थे, तो मैंने बोला कि चलो नायका में थोड़ा सर्च किया जाए और मेकअप की शॉपिंग की जाए। तो यहाँ पे जो है वो मेरा पार्सल आ गया है, मुझे पार्सल रिसीव हो गई है और रिसीव हुए मुझे 3-4 दिन हो गए, बट मैं थोड़ी सी व्यस्त चल रही थी, बिजी चल रही थी, तो मैं अनबॉक्सिंग नहीं कर पाई। और मैंने बोला कि चलो आज मैं आप लोग के सामने इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ। डील्स तो अच्छे खासे चलते रहते हैं, कम ज़्यादा अप एंड डाउन होते रहते हैं, तो आपके ऊपर है कि आप एकदम समझदारी से शॉपिंग करिए और जब वहाँ पे सेल चल रही होगी तो आप उस समय ही शॉपिंग करिएगा। तो चलिए आज इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं और मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं की है लेकिन बहुत कम भी नहीं है, मतलब आप लोग के लाइक है, मतलब आप इस एपिसोड को देखोगे तो आप लोग को बिल्कुल रिग्रेट नहीं होगी। तो मेकअप वैसे भी सबको पसंद है, शॉपिंग वैसे भी सबको पसंद है, तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ब्यूटीफुल चिक को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस चैनल में आपको बहुत सारे वैरायटीज के वीडियोस देखने को मिलेगी। चलिए ज्यादा बातें नहीं करते और हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैंने भी अभी तक इसे नहीं खोला और पार्सल खोलने की जो खुशी रहती है उसका क्या ही कहना, उसका कोई कहना नहीं है। तो यहाँ पे जो है मैं पहले खोल लेती हूँ और उसके बाद आप लोग को दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जो है मेरे पार्सल खुल गए हैं, यहाँ रख लेती हूँ ताकि मुझे बहुत कन्वीनियंट हो, मैं आप लोग को अच्छे से दिखा पाऊँ। तो सबसे पहले तो जैसे कि आप लोग को पता है सारे प्रोडक्ट्स जो है वो अच्छे से रैप होके आते हैं, तो ये सही चीज़ है भाई, जब हम इतनी महंगी सस्ती जो भी है लेकिन प्रोडक्ट्स जब हम ऑर्डर कर रहे हैं, क्योंकि पैसे तो भाई मेहनत से ही कमाए जाते हैं, तो भाई अच्छे से पैकिंग ना हो तो फिर क्या ही मतलब। तो चलिए मैं वन बाय वन एक एक प्रोडक्ट आपको दिखाते जाती हूँ। यदि आपको परचेस करना है और आप अफोर्डेबल मेकअप खोज रहे हैं नायका में, तो ये वीडियो आपके लिए मज़ेदार होने वाली है, ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि मैंने एकदम अफोर्डेबल मेकअप जो है वो ऑर्डर की है। अफोर्डेबल साइट में सारे मेकअप्स को मंगाए हैं, कम बजट में अच्छे प्रोडक्ट्स देख सके। अब बहुत ज्यादा बातें हो गई, आप लोग जरूर बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं अब दिखाना शुरू करती हूँ। ओके, तो सबसे पहला जो मेरा प्रोडक्ट, ये बेबी लव का है और लिप बाम है ये, और ये मैंने देखा तो मुझे ये इसके जो शेड है वो बहुत ज्यादा पसंद आया। इसमें जो मेरा शेड है वो है चेरी किस और इसमें जो है वो SPF 16 भी है, क्योंकि हमारे लिप्स को भी सनस्क्रीन की जरूरत पड़ती है, जैसे कि हमारे बॉडी को जरूरत है, हमारे फेस को जरूरत पड़ती है, वैसे ही हमारे लिप्स को भी सनस्क्रीन की जरूरत पड़ती है। और इसमें SPF 16 है तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, नरिश तो करेगी साथ साथ आपको सन प्रोटेक्शन भी देगी। तो ये है और इसे मैं ओपन करके दिखाती हूँ और ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, मतलब मैं तो बिना लिप बाम के बिल्कुल नहीं रह सकती, मुझे लिप बाम चाहिए ही चाहिए, मैं बिना लिप बाम के मैं सो भी नहीं सकती, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, मुझे यदि लिप्स ड्राई होगी मुझे अनकंफर्टेबल फील होती है, इसलिए मैं बिल्कुल ड्राई नहीं रखती। अब मैं रैंडमली प्रोडक्ट को उठाऊंगी। ओके, तो ये वाली पैकेट को मैं खोलती हूँ और हाँ जी, तो ये मैंने नायका की इंस्टा लाइव नेल इनेमल लिया हुआ था, नेल पेंट बोल सकते हैं, और इसमें जो मेरा शेड है वो है मरून फैब 366। तो ये कलर भी बहुत ज़्यादा प्रिटी है, बहुत अच्छी कलर है और इंस्टा
लाइक है, मे बी ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है इसलिए है, या फिर इंस्टाग्राम से रिलेटेड है, आई डोंट नो। बट जो कलर है वो बहुत ज्यादा प्रिटी है, मरून कलर है। यदि आपको मरून कलर पसंद है आप जरूर इसे ऑप्टेट करके देख सकते हैं। प्राइस जो है वो आप डिस्प्ले में देख सकते हैं और प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा कूल लग रही है। व्हाइट कलर और इसमें जो ब्लैक हार्ट्स बने हैं बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। मेरे पास जो है मरून कलर की नेल पॉलिश नहीं थी इसलिए मैंने इसे ऑप्टेट किया। अब ज्यादा बात नहीं करते, फटाफट से हम देखते हैं। तो सेकंड प्रोडक्ट जो है वो ये है। हाँ जी, तो तीसरी प्रोडक्ट जो ये है इसे भी मैं खोल के आप लोग को दिखा देती हूँ। ओके, तो ये Maybelline Fit Me का कॉम्पैक्ट पाउडर मैंने ऑर्डर किया था जिसमें मेरा शेड 115 है। इसकी MRP 269 रुपीज है और कॉम्पैक्ट जो है वो मेरा फिनिश हो गया था, मतलब खत्म हो गई थी, इसलिए मैंने ऑप्टेट किया। मैं बहुत सारी यूज करके देख चुकी हूँ, लैक्मे हो गए, शुगर की हो गई, लेकिन मैं घूम फिर के Maybelline में ही आ जाती हूँ। तो Maybelline इज बेस्ट, Maybelline की मैं फिर क्या ही बात करूं, चाहे वो फाउंडेशन हो, चाहे वो कॉम्पैक्ट हो, चाहे वो कंसीलर हो, सारे प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत ही ज्यादा अच्छे प्लस ट्रस्टेड प्रोडक्ट हैं, बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। और इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा शेड है 115। यदि आप बजट में अफोर्डेबल साइड में मेकअप खोज रहे हैं तो आप जरूर ये वाली कॉम्पैक्ट को ऑप्टेट करके देखेगा। इसमें मिरर भी दी हुई है और गुड टू गो है, एकदम कॉम्पैक्ट है। जैसे कि ये कॉम्पैक्ट है प्लस कॉम्पैक्ट इन रियल भी है ताकि अपने पर्स में आप इसे अच्छे से कैरी कर सके। हाँ जी, तो फोर्थ प्रोडक्ट जो है ये वाली मैंने फाउंडेशन जो है वो मंगाई। मैंने स्विस ब्यूटी का कंसीलर ट्राई किया, मुझे बहुत ज्यादा ही पसंद आई। फिर मैंने सोचा कि चलो यार मैं इसका फाउंडेशन भी मंगा के देखती हूँ क्योंकि मैंने इसके बारे में भी बहुत ज्यादा सुनी है। तो ये फाउंडेशन मैंने ऑर्डर की और इसमें लिखी हुई है हाई परफॉर्मेंस फाउंडेशन। इसमें लिखा हुआ है बहुत लाइट वेट है, वाटर रेजिस्टेंस है, नॉन ग्रीजी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो मेरा शेड है वो नेचुरल बफ, फर्स्ट टाइम मैंने इसे ऑर्डर किया है। साइज जो देखिए वो अच्छी खासी ह्यूज है। प्राइस 429 रुपीज है। फाउंडेशन जो है बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, अभी मैंने यूज नहीं किया है। और ये 55 ग्राम्स की है और ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। शेड नंबर है 07 नेचुरल बफ। अब ट्राई तो मैंने नहीं किया है बिल्कुल, लेकिन मैं इसे ट्राई करके देखूंगी और यदि अच्छी होगी तो जरूर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसे जरूर ट्राई करिएगा। पैकेजिंग बहुत ज्यादा ही क्लासिक है, बहुत ज्यादा अच्छी है। अब ये रही इसकी बॉटल और इसमें पंप भी दी हुई है और बहुत ज्यादा क्लासिक लग रही है, मतलब बहुत ही ज्यादा वाकई बहुत अच्छी लग रही है। तो ये फाउंडेशन है, शेड भी जो है वो मेरी स्किन में आराम से चली जाएगी, तो शेड का भी कोई इश्यू नहीं है। फाउंडेशन मैं जरूर ट्राई करूंगी, देन मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। ओके, तो भाई मेकअप ऑर्डर कर रहे हो, काजल को हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो काजल जो है मैंने शुगर पॉप की काजल बिल्कुल यूज नहीं की थी, तो मैंने दो दो शुगर पॉप की काजल ऑर्डर की और मैं इसे अभी तक ट्राई नहीं की हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल ट्राई करने के लिए एकदम एक्साइटेड हूँ क्योंकि शुगर की काजल मुझे देखनी है कि कैसी है और ये कैसे वर्क करती है। और इसमें जो मेरा शेड है वो 01 है, ब्लैक कलर की काजल है। इसमें कलर्स भी अवेलेबल थे बट मैंने बोला कि ब्लैक जो है हम डेली वेयर में यूज कर सकते हैं। इसकी प्राइस है 179 रुपीस ईच पड़ी मुझे, इसमें कोई ऑफर्स नहीं मिला कि बाय वन गेट वन वाली सीन नहीं थी, बट मैंने बोला कि मैं दोनों को ऑर्डर कर लेती हूँ तो ये टोटल मुझे 400 की कॉस्ट की। अगर इसकी लॉन्जिविटी बहुत अच्छी रहेगी तो मैं जरूर इसमें जंप करूंगी और स्मज फ्री रहेगी, जैसे कि अभी समर चल रहे हैं तो स्मज फ्री रहेगी तो जरूर यार मैं तो आप लोगों को बिल्कुल बताऊंगी, बिल्कुल रिकमेंड करूंगी अगर ये अच्छी रही। फिफ्थ जो प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर की थी वो ये है शुगर पॉप की ब्लैक काजल जिसमें मेरा शेड 01 है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने स्विस ब्यूटी का जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज किए, उसके कंसीलर भी मैंने यूज किया है। फाउंडेशन मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करने के लिए ऑर्डर किया बट कंसीलर जो है मैंने फिर से रिपीट करके ऑर्डर किया क्योंकि कंसीलर जो है बहुत ज्यादा बेस्ट है। स्विस ब्यूटी की जो कंसीलर होती है वन ऑफ द बेस्ट कंसीलर इन अवर बजट है, तो इसे मैंने री ऑर्डर किया है। तीसरी बार मैंने इसे रीपर्चेस किया है बट इस बार जो है वो शेड का थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया क्योंकि मैंने 03 ऑर्डर किया था बट उन्होंने क्रीमी बेज जो है वो भेज दिया
मेरा शेड नंबर है 03, बट मुझे 11 नंबर की जो है क्रीमी बेज शेड की रिसीव हुई। इसे मैं अप्लाई करके देखती हूँ कि मेरे स्किन में मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, कि या फिर मेरे प्रोडक्ट जो है इसे कुछ ना कुछ करके, मैं तो यूज जरूर करूंगी बट देखना पड़ेगा कि एज अ कंसीलर ये कैसे वर्क कर रही है, क्योंकि शेड में जो है वो थोड़ी सी फर्क आ गई है। ओके, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, Everybody loves lipstick, so do I. मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है, बट लिक्विड लिपस्टिक मैं यूज नहीं करती हूँ। मैं ऑलवेज ऑप्टेट करती हूँ बुलेट लिपस्टिक्स की, और लिक्विड लिपस्टिक मैं नहीं यूज कर पाती क्योंकि बहुत ज्यादा ड्राई होती है, तो आई फील वेरी अनकम्फर्टेबल। और लिप ग्लॉस वगैरह मैं बेशक यूज कर लेती हूँ, बट बुलेट लिपस्टिक में ज्यादा मैं जम करती हूँ। मैंने ऑर्डर किया ये लैक्मे की क्यूजन मैट लिपस्टिक, बहुत ज्यादा अच्छी शेड मुझे इस बार रिसीव हुई, क्योंकि जब मैं ऑनलाइन देख रही थी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी ये वाली शेड, जिसमें मेरा शेड नंबर है CM5। बहुत ज्यादा अच्छी लिपस्टिक है। इसकी एक और शेड की लिपस्टिक मेरे पास है, उसका शेड नंबर भी मैं मेंशन कर दूंगी। ये क्रीमी प्लस मैट है, एग्जैक्ट मैट नहीं। मॉइस्चराइज जरूर करेगी, आपके लिप्स को बिल्कुल ड्राई नहीं करेगी। शेड मैं आपको दिखाती हूँ, ज्यादा गॉर्जियस पर्पल कलर की है, बहुत ही ज्यादा गॉर्जियस पर्पल कलर की है। इसका शेड है CM5 पर्पल डायमंड, तो ये कलर मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने इसे ऑप्टेट किया। प्राइस की मैं बात करूं तो प्राइस 299 रुपीस की मुझे ये मिली। अब भाई हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो प्राइस में जो है वो फर्क जरूर आएगी, तो प्राइस में 19-20 जरूर होगी, इसलिए जो है एग्जैक्ट प्राइस मैं प्रोडक्ट की बता दे रही हूँ, बट आपको कम रेट में मिल जाए, मतलब ऑफर्स में मिल जाए, तो फिर तो क्या ही बात है। सो इतने प्रोडक्ट जो है मैंने ऑर्डर किया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा कि मैं और बहुत अच्छी एकदम प्यारी सी वीडियो लेके आने वाली हूँ मेकअप के ऊपर ही, लेकिन मैं उसका सस्पेंस अभी नहीं खोलती, आप लोग जरूर वेट करिएगा, बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है, आपको जरूर बहुत ज्यादा पसंद आएगी। आज की एपिसोड आपको कैसी लगी लाइक करके बताइए, कमेंट करके बताइए, कोई भी क्वेरीज हो तो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको आज की नायका हॉल जो मेकअप प्रोडक्ट्स है और जो प्रोडक्ट्स मैंने बताए, यदि आपको पसंद आए होंगे तो आप जरूर ऑर्डर करिए और यूज करिए। लिंक मैं जरूर डाल दूंगी और मेंशन भी जरूर कर दूंगी। सो गाइस, फिर किसी वीडियो में मुलाकात करती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।